Words to talk about is a very good for the kids who just start learning about new words. So if you want to make your child capable of and improve their vocabulary especially, so you can use these books, and you want to make them more frequent in conversation, then this book will be the best option for you. आप इस book को use कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए जो उनकी conversation power weak हो और आप चाहते हों कि वो capable हों ज़्यादा से ज़्यादा conversation में. तो इस तरह के topics जिनमें उनकी vocabulary improve होती हो और जिनमें multiple questions हों, तो आप उनको improve करवा सकते हैं. Here is the option, देर मैं आपको बताती हूँ इसके inside में क्या है. इसमें topics हैं, different topics हैं, like school का topic है, इसमें indoor play time का topic है. Multiple topics हैं और multiple topics से related ही vocabulary provide की गई है. इसमें लिखा है curtain, cat, alarm clock, pillow, table lamp, mattress. अब देर so many vocabulary words. अब यहाँ पर जो portion है, यहाँ पे इन picture में जो भी activity हो रही है उसको sentence में use करना भी सिखाया है. Like David is under the bed cover, baby wants to get out of his coat. तो अब इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड यहाँ मल्टीपल क्वेश्चन भी हैं. जब आप बच्चों को इसको ऑब्जर्व करवाएंगे, इसको रीड करवाएंगे, आप उनके बाद उसके उनसे क्वेश्चन पूछेगा, वेयर इज़ फादर, तो फादर इज़ स्टिल इन द बेड, बच्चे आंसर करेंगे. इसी तरह करके इसमें डिफरेंट टॉपिक्स हैं जिससे उन बच्चों की वोकेबलरी, उनकी कॉन्वर्सेशन पावर बहुत इम्प्रूव होगी. और ये बुक जब कम्प्लीट होगी तो आप एक बहुत अच्छा डिफरेंस, ऑब्वियसली अगर बच्चे ने प्रॉपर पढ़ाया, आपने उसको प्रॉपर पढ़ाया, तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी अंडरस्टैंड करने में और उनकी इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी आपको. अच्छा, ये बुक जो है वो दो बुक्स में इंक्लूडेड है. पहला पोर्शन जो है वो 1000 वर्ड्स टू टॉक अबाउट का है, और सेकेंड पोर्शन जो है 1000 वर्ड एक्शन वर्ड्स हैं. जिस तरह से हम डेली लाइफ में वर्ब को यूज़ करते हैं, उन्हीं वर्ब को सेंटेंसेस में यूज़ करना बताया, ताकि बच्चे की जो सेंटेंस बनाने की कैपेबिलिटी है वो अच्छी हो जाए. लाइक एड अप, अ वीक, एड, ठीक है, तो उनको सेंटेंस में यूज़ करना बताया. तो जिस तरह से ब्रश लिखा हुआ है, द बलून ब्रश्ड विद अ लाउड बैंग. अब जिस तरह से लिखा बिल्ड, अब बिल्ड का आईएनजी फॉर्म और पास्ट फॉर्म भी बताया, पीटर इज़ बिल्डिंग अ स्पेसशिप. तो इसी तरह इसमें अल्फाबेटिकली वर्ब्स को सेंटेंस में यूज़ करना और एक्शन वर्ड्स को यूज़ करना सेंटेंस में बताया. तो ये बुक बहुत ही अच्छी है, एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक है वोकेबलरी और कॉन्वर्सेशन टॉक अबाउट की. अगर आप ये बाय करना चाहें तो ज़रूर अपने बच्चों के लिए बाय करें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.